दोस्तों, सलमान खान की एक फिल्म आई थी किक, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी 15 जुलाई को, और इस फिल्म को लोगों द्वारा पसंद खूब किया गया था। इस फिल्म का बजट था 140 करोड़ रुपए का और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 402 करोड़ रुपए की कमाई करके एक बम्पर ओपनिंग सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और इस फिल्म में बड़े बड़े दिग्गज भी थे, जैसे कि सलमान खान के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आए थे इस फिल्म में। मिथुन चक्रवर्ती ने सलमान खान के पिता की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। वही इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैकलिन फर्नांडिस जैसी एक्टर नजर आए थे, जिन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब 2022 में भी इस फिल्म की तैयारियां चालू हैं और लोगों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस फिल्म में एक्टर कौन होंगे, क्योंकि किक में तो मिथुन चक्रवर्ती ने सलमान खान के पिता की भूमिका निभाई थी, तो अब क्या किक 2 में भी मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे? ये फैंस का बड़ा सवाल है और इसीलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने सलमान खान की एक फिल्म यानी कि वांटेड अगर देखी है, तो वांटेड में उसमें पिता की भूमिका में नजर आए थे विनोद खन्ना साहब, और विनोद खन्ना के किरदार में, पिता के किरदार में विनोद खन्ना साहब ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी और लोगों ने खूब पसंद किया था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किक 2 में भी मिथुन चक्रवर्ती सलमान खान के पिता की भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि कभी भी एक पार्ट में अगर सलमान खान के पिता की भूमिका में जो एक्टर नजर आया है वो एक्टर अगले पार्ट में भी दिखाई देगा, तभी फिल्म को देखने में मजा आता है, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होगी। और इसी तरह से कयास लगाते हुए साजिद नाडियाडवाला, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म में कास्ट करेंगे, यानी कि किक 2 में मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे। हालांकि देखना होगा कि मिथुन चक्रवर्ती किक 1 में, तो जो किक आई थी उसमें तो एक पिता यानी कि पिता जो रहता है अपने बेटे के साथ बेवड़े के किरदार में रहता है, लेकिन सेकंड पार्ट में मिथुन चक्रवर्ती का रोल किस तरीके का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, किरदार निभाएंगे पिता का ही, एक्टिंग क्या होगी वो देखना होगा। बहरहाल, आपकी जो भी राय हो, क्या मिथुन चक्रवर्ती किक 2 में नजर आने चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।